जो हम जो भी एक्टिविटी होती है, मान लो यहाँ पे हमारा साइट क्लियरेंस चल रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे साइट क्लियरेंस चल रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब वो टाइम कंज्यूम करेगा और साइट क्लियरेंस चल रहा है तो रिसोर्सेज भी उसको, मैन ये है, मटेरियल भी चाहिए, मनी भी चाहिए, तो रिसोर्सेज भी कंज्यूम कर रहा है वो। इट रिप्रेजेंट ए स्पेशली जॉब सच एज डिगिंग ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, हम जैसे मान लो डिगिंग ऑफ फाउंडेशन शो कर रहे हैं, इट इज नॉटेड बाय एन एरो, एरो के साथ इसको डिनोट करेंगे हम, एक्टिविटी कनेक्टेड बिटवीन द इवेंट एंड इन एक्टिविटीज कनेक्टेड बिटवीन इवेंट, दो इवेंट के बीच में, जैसे मान लो यहाँ साइट क्लियरेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ साइट क्लियरेंस खत्म हो रहा है, तो बीच में ये एक्टिविटी चल रही है, ये ऐसे इसको शो करता है। द टेल ऑफ द एरो शो द बिगनिंग ऑफ एक्टिविटी एंड हेड ऑफ द एरो शो द एंड ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है, जो भी एरो हमारा यहाँ से टेल जो है इसकी ये बिगनिंग को शो कर रहा है, जो हेड है इसका ये जो एंडिंग होगी उसकी उसको शो कर रहा है। इवेंट क्या होगा, इस टर्म को नोड भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज डिफाइंड बिगनिंग ऑफ द जॉब एंड, और जो या एक्टिविटी बिगनिंग शो करता है और एंड शो करता है। इट ओनली रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ द पार्टिकुलर जॉब एंड डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सिस एंड टाइम, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे कुछ ये शो नहीं कर रहा है कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसको इवेंट बोलते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, नीचे यही लिखा हुआ है कि इवेंट को हम सर्कल से या रेक्टेंगल से शो करते हैं। उसके बाद नेटवर्क क्या होगा, जब एक्टिविटी को और इवेंट को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे मान लो ये इवेंट है, ये बीच में एक्टिविटी है, इनको जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। ये तो हमारे पूरा टॉपिक ही कर लिया है पहले। व्हेन द ऑल एक्टिविटी एंड इवेंट ऑफ प्रोजेक्ट आर कनेक्टेड टूगेदर इन ग्राफिकल एंड सिक्वेंटियल मैनर, दे फॉर्म ए नेटवर्क, जब उनको सिक्वेंस तरीके से और ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम जोड़ देते हैं, तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क कनेक्टेड बाय एक्टिविटीज और इवेंट, नेटवर्क को एक्टिविटी और इवेंट से कनेक्ट करते हैं। द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ नेटवर्क बेस्ड मैनेजमेंट साइट, जो आपका ये हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर बेस होता है, उसका बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो भी पूरा प्रोसेस हो रहा है, मान लो हम पहले क्या है, साइट क्लियरेंस करेंगे, डिगिंग फाउंडेशन करेंगे, आपका जो आपका वो शटरिंग लगाएंगे, उसके बाद पोरिंग कंक्रीट करेंगे, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, क्या किया है हमने, जितना भी वर्क है उसको क्या कर लिया है, हमने तोड़ लिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन इसने एग्जाम्पल बड़ा अजीब सा दिया है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले रॉ मटेरियल लगाएंगे तो उससे तत्व बनेंगे, फिर कंपोनेंट बनेंगे, फिर उसकी असेंबली बनेगी, फिर फाइनल यूनिट बन जाएगी असेंबली की, ठीक है, तो ये क्या कर रखा है, काम को तोड़ रखा है, ठीक है, मतलब या फिर कोई भी चीज है उसको क्या है, तोड़ के फिर टुकड़ों में क्या है, जोड़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर विच एस्टेब्लिश द हायरार्की ऑर्डर और डिविजन ऑफ सिस्टम इंटू द एलिमेंट कंपोनेंट, जब कोई भी काम होता है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, उसको डिवाइड कर लेते हैं हम एलिमेंट में या कंपोनेंट में, उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ईच ऑपरेशन इन प्रोजेक्ट मस्ट बी ब्रोकन, जो भी ऑपरेशन होता है प्रोजेक्ट का उसको ब्रोकन कर देते हैं छोटे छोटे की एलिमेंट पॉइंट में, फॉर इफेक्टिव प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने, तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजर को या इंजीनियर को, ताकि वो अच्छे से जो भी अचीव करना चाह रहा है वो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर सके उसकी और कंटिन्यूसली चल सके। जैसे हमारा क्या है, माइलस्टोन टू सीपीएम और पर्ट नेटवर्क में हम लोग कर रहे हैं, जैसे इसने सारे, ये भी एक तरह का क्या है, वर्क ब्रेकडाउन है, ठीक है। ये इसने क्या किया, पहले हम डिजाइन करेंगे, यहाँ डिजाइन कंप्लीट होगा, उसके बाद स्टार्ट फैब्रिकेशन, फिर उसके बाद हमारा अगला फैब्रिकेशन होगा। डिजाइन का मतलब उसके बारे में, जैसे हमने कुछ बनाना है वो लेके आई, डिजाइनिंग करी उसकी, उसके फैब्रिकेशन मतलब बनाना उस चीज को, ठीक है। तो ये सारा क्या है, जब उसको तोड़ लेते हैं छोटे छोटे एलिमेंट में, उसको क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो है, डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या होती है, वो वाली एक्टिविटी होती है जो दो एक्टिविटी के बीच में होती है, लेकिन वो टाइम कंज्यूम नहीं करती है, ना ही कोई रिसोर्सेज
मतलब कंज्यूम करती है, लेकिन उसको ऐसे ही शो किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे नीचे समझ लो, पहले यहाँ एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई है या एक्सकेवेशन खत्म हुई है, यहाँ शटरिंग स्टार्ट हुई है, तो बीच में ये वाली जो एक्टिविटी है इसको डमी एक्टिविटी का नाम दे दिया इसने, ठीक है। ये कोई टाइम कंज्यूम नहीं कर रही है, जब हमारा ये खत चल रहा है साथ साथ भी इसको हम चला सकते हैं। एक्टिविटी कनेक्टेड टू इवेंट, दो इवेंट को कनेक्ट करती है ये, विच डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा नहीं लगता है इसके ऊपर ना कोई टाइम लगता है, बट ओनली डिपेक्ट दैट इवेंट फ्लोइंग कैन नॉट स्टार्ट अनलेस द प्रीसीड इवेंट, इसके बिना दूसरा जो इवेंट है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है, बीच में हम डमी एक्टिविटी दिखा देते हैं। नीचे इसने एग्जाम्पल दे दिया जो मैंने अभी बताया है, उसके बाद ये सारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, ये हमारा हो चुका है अभी मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। तीनों चीजें किसी को समझ ना आई हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम, कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वो जो उसका एक्सपेक्टेड टाइम होता है कि सोच के जो चलते हैं हम, सोचा है हमने, या एवरेज टाइम होता है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने का, तो उसको एक्सपेक्टेड टाइम या एवरेज टाइम बोलते हैं। इन व्यू ऑफ द थ्री एस्टिमेटेड हमने टाइम देखे ऊपर, ए टर्म नोन एज एक्सपेक्टेड और एवरेज हैज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब वहां पे क्या है, तीन टाइम देख लिया, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। ऑप्टिमिस्टिक में सारी चीजें हमारे हिसाब से चल रही हैं, पेसिमिस्टिक में सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं, रोस्ट कंडीशन हो गई है, मोस्ट लाइकली में कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, कुछ चीजें नेगेटिव हो रही हैं। एक्सपेक्टेड में कि जो हमने एवरेज टाइम सोचा है या एक्सपेक्ट किया है उसी हिसाब से हुआ है। डिफाइन एवरेज टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, जो एवरेज टाइम लगा है एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए, इसको क्या है, टीई से हम डिनोट करते हैं। और इसको फाइंड करना हो तो तीनों टाइम का ये एक फॉर्मूला है, टीई करके एक्सपेक्टेड टाइम निकालना हो तो ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस फॉर मोस्ट लाइकली टाइम प्लस जो आपका पेसिमिस्टिक टाइम, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेड टाइम या एवरेज टाइम आ जाता है। The above equation PERT network is most important equation. जब PERT network हम लोग ने अगर निकालना है, determine करना है, तो ये वाला formula उसके अंदर use होता है, जो उसकी तीन estimate हम लोग करते हैं जो ऊपर हमने किया अभी। उसके बाद last है ये critical path method, क्या होता है, कोई भी हमने process करना है, कोई काम कर रहे हैं हम लोग, उसके दो दो तरीके हैं, एक तो क्या है सिंपल एक उसके, लेकिन एक है क्रिटिकल कि किस कंडीशन में वो जा सकता है। इन एनी नेटवर्क देयर आर ऑलवेज टू और मोर पाथ, ठीक है, दो तीन तरीके हो सकते हैं उनको करने के, ठीक है। सीरीज ऑफ एक्टिविटी लॉजिकल सीक्वेंस, मान लो हमने यहां पहुंचना है, ऐसे करके भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे सीधा भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है हम ऐसा उल्टा चल के जा रहे हैं घूम फिर के, उसको क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं। द पाथ विच डिटरमाइन द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको क्या है क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क, लॉन्गेस्ट पाथ होता है, ये रास्ता होता है नेटवर्क तक, नेटवर्क को कंप्लीट करने का। विच कंज्यूम मैक्सिमम रिसोर्सेज, जो ज्यादा से ज्यादा क्या है हमारे रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज में टाइम मैन मटेरियल और मनी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो ये कोई काम है, ये यहाँ से जाएंगे इधर, इधर दो पे जाएंगे तो दो दूसरी एक्टिविटी, फिर उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, ये ऐसे सीधा भी ले जा सकते हैं, या ऐसे यहां तक पहुंचने के लिए हमें साथ साथ ये भी चलानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस इन दिस नेटवर्क शो अब फिगर हमने देख लिया, देयर आर द टू अल्टरनेट पाथ फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम के बेसिस। जैसे पहला है, पहला वन है, टू है, फोर, फाइव, सिक्स, फिर उसके बाद इसने टाइम लिख दिया कि यहाँ पे पांच दिन में हो रही है, यहाँ पे छह में हो रही है, यहाँ पांच में, ये वाला पांच, फिर उसके बाद ये मान लो इधर से जाएंगे तो 21 दिन में कंप्लीट होगा, और इधर से अगर करेंगे तो वन, थ्री, फाइव, सिक्स, ये मान लो पांच, सात और पांच, ये 17 डेज में कंप्लीट होगा। द पाथ ए इज क्रिटिकल पाथ,
ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम ले रहा है कंप्लीट करने के लिए, इट शुड बी आइदर शो इन रेड इंक, लाल शाही के साथ इसको वो करते हैं शो करते हैं, या फिर डबल लाइन के साथ इसको शो करते हैं। तो यहां तक सब